हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडीज किचन एंड ब्लॉग्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही हेल्दी बट टेस्टी सैलेड की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज मुझे सुबह ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा हेल्दी कुछ खाने का मन कर रहा था और साथ ही फिलिंग भी और प्रोटीन से भरा, फाइबर से भरा ऐसा कुछ ब्रेकफास्ट में खाने का मन कर रहा था, तो मैंने ये सैलेड की रेसिपी बनाई। तो मैंने तब सोचा क्यों ना मैं आपके साथ ये सैलेड की रेसिपी शेयर करूँ। तो चलिए इसे मैंने कैसे बनाया है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले गर्म पानी में हम छोले बॉयल करने के लिए दे देंगे, साथ ही हम पास्ता बॉयल करने के लिए देंगे। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच ग्रीन पीस ऐड कर देंगे। काबली चने को मैंने रात भर भिगो के रखा था, अब इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट दे देंगे, साथ ही हम स्वीट कॉर्न दे देंगे। 2 से 3 चम्मच स्वीट कॉर्न दिया है। इन सब को 5 से 7 मिनट बॉयल कर लेंगे, फिर इसे हम एक छलनी में छान लेंगे और ठंडे पानी से इसे धो लेंगे। आप इन सब का अमाउंट अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। अब इन सब को एक बाउल में हम निकाल लेंगे। अब इसमें बारीक कटे हुए टमाटर दे देंगे, 2 से 3 चम्मच टमाटर दिया है, और 2 चम्मच हम एवोकाडो दे देंगे, इसे भी हमने छोटे छोटे पीसेस में कट किया है। आधे नींबू का रस दे देंगे। इसके टेस्ट को थोड़ा चटपटा बनाने के लिए इसमें हम चिली फ्लेक्स देंगे थोड़ा सा, और साथ ही हम चाट मसाला देंगे, थोड़ा सा ब्लैक पेपर दे देंगे। आप चाहे तो इसमें स्प्रिंग अनियन का भी यूज़ कर सकते हो। अब इन सबको हम बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और ये देखिए हमारी हेल्दी सैलेड की रेसिपी तैयार है। है ना ये कितनी इजी और हेल्दी रेसिपी? तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।